वाकई आप एक बहुत बहादुर इंसान हैं। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी खुद को संभाला और खुद को इतना काबिल बनाया। हमें सब बातें भूल जानी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सही कहा तुमने। चलो, चलने की तैयारी भी करनी है मुझे। हम भी आपके साथ ही चलेंगे, जहां जाओगे आपके साथ ही रहेंगे। मैंने तुम्हें बताया ना गांव के बारे में, पहले मैं एक बार जाके तो देख लूं। नहीं नहीं, हम भी चलेंगे बस। मुझे भी जाना है। ठीक है, मैं वहां जाकर कोई रहने की व्यवस्था देख लेता हूँ, फिर हम सब साथ रहेंगे। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? बहुत बर्दाश्त कर ली है गुंडागर्दी, अब ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। साले हमें बताएगा तू अब क्या करना है हमें? हाँ भाई बुरे, आ जा। राम राम भैया, राम राम। राम राम, और सुना क्या हाल है तेरा? सब बढ़िया भैया, आपकी मेहरबानी है। काम कैसा चल रहा है? एकदम बढ़िया, गांव की दुकानों पर शराब की सप्लाई पूरी कर दी है। अगर ऐसे चलता रहा ना तो अगले महीने दूसरा ट्रक मंगाना पड़ेगा। और जुआ? जुए की तो आप पूछो ही मत, गाँव के गली में, खेतों में, बाग में खूब जुआ चल रहा है और हमारे लड़के क्रिकेट में सट्टा लगवा रहे हैं। और आप पुलिस की बिल्कुल चिंता मत करो, पुलिस आपके और आपके धंधे के साथ है और हमेशा रहेगी। जब ही तो हम तेरा ख्याल रखे हैं। इसकी क्या जरूरत थी, हम तो वैसे भी आपके हैं। वो तो तू रहेगा, मगर तेरे जो थाने इंचार्ज का क्या हुआ और नया कब तक आएगा? आने वाला तो है, आ जाएगा एक दो दिन में, और आपसे दूर थोड़े ही न रहेगा। इस नोटों की गर्मी किसे अच्छी नहीं लगती। समझदार है। ओए 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 ओए, यहाँ सब्जी सारी चीज एक किलो कर दे। बाबूजी ऐसा क्यों कर रहे हो, गरीब आदमी मर जाऊंगा। कर रहा है, उठाओ डंडा, हाथ जुड़वा लो साहब। आई तेरी बुद्धि में, आ गई ना। चल ठीक है, रहने दे, इतनी बहुत है। अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो भाई, भाई छोड़ दो, अरे छोड़ दो, कमीने, छोड़ दे मुझे, छोड़। चल यहाँ से। ये पता नहीं है मैं एमएलए का आदमी हूँ। अच्छा, अरे छोड़ दो, छोड़ कमीने, छोड़ दे, छोड़ दे मुझे, छोड़, छोड़ कमीने, छोड़ दे मुझे, छोड़। बता देना अपने एमएलए को कि इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह आ गया है अब यहाँ। आज पहली मुलाकात है इसलिए छोड़ रहा हूँ। आज के बाद अगर लड़की छेड़ता देख लिया ना तो सीधी गोली मार दूंगा, याद रखना।
तुम कौन हो बेटा? मैं इसी गांव का हूँ, अपना बेटा समझ लेना। साहब मेरे आदमी ने चोरी नहीं की, बेकसूर है साहब, मेरे आदमी को छोड़ दो साहब, मेरे आदमी को छोड़। अरे मैंने पहले बोला था 10,000 रुपए लेके आ। अरे हमें तेरे आदमी का कौन सा चार डालना है? क्या देख रहे हो आनंद जी? मैं ये देख रहा हूँ जितने ध्यान से तो अपने नखुन्नों पे पुताई कर रही है, अगर इतने ध्यान से ड्यूटी करे तो बात ही के है। ठीक कह रहा भाई तू यह बात। ज्यादा गुस्सा मत दिला, नए थाने चार जाने वाले हैं, 50,000 के अंदर भी छूटेगा तेरा आदमी। 10,000 हम कहाँ से लावे साहब, हम बहुत गरीब हैं, 10,000 ना हो। मैं किस चीज के पैसे चाहिए तुम्हें? तू कौन? अगर कोई रिपोर्ट लिखानी हो तो कल लाना, कल आ रहे हैं हमारे नए थाने चार्ज। कल नहीं आ रहे हैं, आ चुका है, सामने खड़ा है। चलो चलो नहीं साहब आगे। जय हिंद साहब। तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? सरवरे इसमा के पेट में दर्द हो रहा था। तो तुम क्या कर रहे हो, डॉक्टर हो तुम? क्या हालत बना रखी है थाने की, ताश खेल रहे हैं यहाँ, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और ये क्या है, सीमेंट? थाने में सीमेंट रखा है? सरवा शोक ठेकेदार का है। तो ये थाने में क्यों रखा है, उगाइए इसे जल्दी से। हाँ हेलो, क्या हुआ? आप तो चले गए और यहाँ हम दोनों का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। हम लोग वहीं रहेंगे जहाँ आप रहोगे। लेकिन तुम गांव में कैसे रहोगे? मैं भी तो आज ही आया हूँ, देख तो लूँ यहाँ। आपको पता है ना, जहाँ आप हो वहीं मेरा सब कुछ है, और ये आपकी लाडली परी, जब से आप गए हो ना तब से आपके बारे में पूछी जा रही है। कहाँ है वो? बस अभी सोई है रोकर, बड़ी मुश्किल से। आज तो स्कूल भी नहीं गई क्योंकि इसको सिर्फ पापा चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, मैं यहाँ देखता हूँ रहने का, कुछ ठीक लगा तो। कब सही लगेगा, बस हमको वहाँ आना है। और हाँ, अगर आप नहीं बुलाओगे ना तो मैं खुद ही आ जाऊंगी। ठीक है, पहले मैं कुछ यहाँ रहने का देख लूँ, ठीक है ना? ओके बाय बाय। अरे जल्दी जल्दी पैंडल मार ले, ड्यूटी पे टाइम तक जाना, नए साहब आयर बहुत कड़क है। अरे यू साइकिल है भाई, हवाई जहाज ना जैसे उड़ा लूं। और मैंने तो सोबर कह ली, टाइम से चले कर, टाइम से चले कर, और अपने आप तो लेट हो गई है, और मुझे और लेट कर दे। अरे आग लगे तेरी भाभी के, खा खा के हथनी हो रही, करती कुछ नहीं, सारा काम मुझे करना पड़े, चाहे झाड़ू हो चाहे पोछा हो चाहे हो बर्तन। आज छोटे बड़े दीवान जी साइकिल की जान ही लोगे। अरे मरवा दिए, तेरी साइकिल का बैलेंस कभी ठीक रहे भी कि नहीं रहे? अरे साइकिल का तो बैलेंस ठीक था, पर किसी ने मुस्कुरा दिया और मेरा अलाइनमेंट बिगड़ गया, इसलिए धरती पर लौट गया भैया। अच्छा
नमस्ते साहब। नमस्ते। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। बहुत अच्छा माहौल है थाने का आज हैं? सर हमने गाजियाबाद फोन करके आपके बारे में पता कर लिया था सर। सर हमारे पे यकीन करो, आपको रोज ऐसा ही साफ सुथरा माहौल मिलेगा पूरे थाने का। तुम लोग थाने में रहते हो, कभी गांव में भी चक्कर लगाया करो। वहाँ देखो कितनी गुंडागर्दी चल रही है, सरियाम छेड़ा जाता है, लोगों को पीटा जाता है, कभी देख भी लिया करो। ये गाँव के आम आदमी नहीं है, ये गाँव के बड़े आदमी के बेटों के पाले हुए गुंडे हैं सर। सर इस गांव में जो भी छोटे बड़े कांड होते हैं सब इनकी देन है। तो थाने से कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? सर कार्रवाई क्या करे, लिखित में कोई शिकायत तो देता नहीं। सर अगर हम किसी को पकड़ भी लावे तो एक दो घंटे में छूट जाता है। सर सही बात तो ये है, उनका बाप यहाँ का MLA है। सर मैं तो आपसे भी कहूँ उन लोगों से दूरी रहो, ये लोग ठीक नहीं है। अच्छा ओ मेरा बेटा ये सब क्या है? मैंने कहा था ना अगर आप नहीं बुलाओगे तो हम खुद ही आ जाएंगे। पर यार मैं बोल रहा था मैं घर तो देख लूं फिर मैं बुला लूंगा। आपको पता है ना हम ज्यादा से ज्यादा बस एक दिन रह सकते हैं आपके बिना, इससे ज्यादा नहीं। बेटा रह तो मैं भी तुम लोगों के बिना नहीं सकता, पर ये ड्यूटी कभी कभी मजबूर कर देती है। मेरे पापा को कोई मजबूर नहीं कर सकता, मेरे पापा सुपरमैन से भी ज्यादा ताकतवर है। अरे भी देखियो ये सामान उठाओ, देखो कहाँ रखना है। साहब मैं पहुंचा के आता हूँ। रुक जा भाई मैं भी चल रहा हूँ। ठीक है जाओ। ताऊ ये संजीव का मकान कौन सा है? मेरा भाई स्वामी तो है। अच्छा कौन सा मकान है? यही तो है सर। अच्छा अच्छा जी घर सजाने लगे? ये अभी बस। कैसा रहे? बहुत अच्छा है, आओ आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये है पूरा कमरा, अच्छा है ना? आपको पता है ना किसी को अकेला पाकर छेड़ना कानूनन अपराध है दरोगा जी। अच्छा जी, और दरोगाओं का काम होता है मौके का फायदा उठाना। पापा। अरे मेरा बेटा आ गया भाई। रा 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 रा। हो कहाँ पे थे आप? ओह भाई मकान तो तुमने बहुत अच्छा दिलवा दिया। साहब जल्दबाजी में ऐसा ही हो पाया, समय देते तो और अच्छा होता। नहीं नहीं बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, तो हमारी मैडम को पसंद आ गया और इनको पसंद आ जाए बस वही ठीक है। बेटा बोर तो नहीं हुए? पापा अंकल ने मुझे बहुत सारे जोक्स सुनाए पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, पर मुझे बहुत मजा आया। हाँ जी सच में दोनों बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मेरा सामान लगाने में बहुत मदद की। देखो मैडम ये जनता के और सरकार के नौकर हैं, हमारे नहीं है याद रखो। अरे ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ, आपकी बीवी जो हूँ। साहब इसमें तो घर की बात है, नौकरी की बात कहाँ से आएगी। ठीक है। Thank you.
पकड़ो, चलो। माँ, माँ, चार पंजे कितने हो? अबे मुझे तो चार एकम चार का ही पता ना, और तू पंजा पूछ रहा। आज बुरे फंस गए यार, पढ़ाई के चक्कर में एक बार स्कूल से भगे और आज इस मैडम के चक्कर में फंस गए। चुप, तुम पता नहीं है क्लास में बात करना अलाउड नहीं। टीचर जी मैं नहीं बोल रहा था, यही मेरे से पूछ रहे। तेरे से बताया गया तू बकवास कर रहा? टीचर के सामने बदतमीज, चलो अपनी कॉपी दिखाओ। लो मैम। तुम लोग फोर की टेबल पिन की और लड़ाई कर रहे हो, चलो अपना हाथ आगे करो। माफ कर दो मैडम जी। अच्छा हाथ नहीं खोलोगे? वहाँ से छुट्टी मार के भाग आए थे ना, ठीक फंसे दोनों? नहीं नहीं मैडम नहीं, साहब आ गए। मैडम आप छुट्टी करो ना करो, साहब आ गए, हमारी तो छुट्टी होगी। जय हिंद सर। जय हिंद सर। पापा, पापा कौन है? ये बेटा तुम्हारी दादी है। आपने कभी इनके बारे में बताया नहीं, और माँ जी थी कहाँ पे इतने दिन से? मुझे लगा उस कमीने ने इन्हें भी मार दिया हो, लेकिन आज मुझे ये मिली। अच्छा। मैं जब से गांव में आया तब से ही माँ के बारे में सोच रहा था, मुझे नहीं पता था मुझे मेरी माँ इस हालत में मिले। चलो अब माँ जी हमें मिल तो गई है ना, और अब हम दोनों मिलके इनकी इतनी सेवा करेंगे कि माँ जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, है ना माँ जी? राम राम भैया। राम राम। मैं भी साहब से बताता हूँ कि आप लोग आए। चलो जाके बता क्या हो। जय हिंद सर। सर गांव से रघु प्रताप सिंह और केशव प्रताप सिंह आपसे मिलने आए हैं। कौन है ये? सर तत्कालीन MLA पूर्व मंत्री धीरेंद्र प्रताप सिंह जी के बेटे हैं। धीरेंद्र प्रताप MLA बन गया, मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? ताकि जो यहाँ नया आए उसे पता चल जाए कि ये गांव परिवारवादी पार्टी वह तत्कालीन MLA श्री धीरेंद्र प्रताप सिंह का है, जो हमारे हिसाब से काम करता है उसके लिए हमारे घर के दरवाजे हर तरीके से खुले। और जो तुम्हारे हिसाब से काम ना करे वो यहाँ रह नहीं सकता। अच्छा, इसका मतलब यहाँ रहने के लिए तुम्हारे तलवे चाटने पड़ेंगे। इसे तलवे चाटने क्यों समझ रहे हो? ये तो तालमेल बनाना है, इस हाथ दे उस हाथ ले, और समझदारी भी इसी में है, समझे? मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही हूँ, किसी मंत्री का दलाल नहीं, समझ गए? दरोगा, तुम हमारे पिताजी को नहीं जानते। मैं तुम्हारी सात पुश्तें जानता हूँ। तुम रास्ता चलते बच्चों के पैसे छीन लिया करते थे, तुम्हारा बाप बेईमानी से प्रधान बना करता था, और तुम्हारा दादा वो गाय भैंसों की चोरी किया करता था, और उसका भी बाप वो दारू की सप्लाई किया करता था। कहो तो इससे आगे भी बताऊं? अरे मैंने कुछ पूछना, जो तन्ना हमारा आदमी पकड़ रखा उसे छोड़ दे। मैंने उसका चलान कर दिया है, अब वो कोर्ट से ही छूटेगा। तुम्हें अभी पता नहीं तुम किससे टकरा रहे हो, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। किसे महंगा पड़ेगा किसे सस्ता पड़ेगा तो टाइम बताओगा। फिलहाल तुम चले जाओ और अपने आदमी की जमानत का इंतजाम करो। वो तो हम करा लेंगे, तुम अपने सोचो। और सुनो, मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ, तुम्हारे जितने भी गलत काम है उन्हें बंद करा देना, वरना मैं बंद करा दूंगा। और हम तुम्हें शाम तक की मोहलत देते हैं, हमारे आदमी को छोड़ देना, हमारी चौखट पर मत्था टेक लेना। यहाँ से जाते हो या भी बताऊं? उत्तर प्रदेश पुलिस अब मत्था टेकती नहीं, लिखवाती है। दादी देखो मेरे पास गाड़ी है।
शिखा सुन रहे हो आप? सुन रहे हो आप? एक बार शिखा को ले जाओ यहाँ से, ये माजी को परेशान कर रही है। क्या हो यार? माजी को ना आराम करना है और वो परेशान कर रही है, आप एक बार ले जाओ। चलो बेटा आइए, मेरा बेटा मेरी परी। काश आज पिताजी जिंदा होते तो आज हमारा परिवार पूरा हो जाता। अब तो मेरा बेटा ही मेरी जिंदगी है। ओए ओए ओए, घर के दरवाजे रहा जी साहब। ले ये अपने पैसे रख ले, उस दिन के रह गए थे। ये क्या साहब? ये पैसे हैं, दिखाई नहीं देता के, रख ले। दीवान जी आप और पैसा देना चाहते हो? अरे भाई देना तो हम भी नहीं चाहते, पर आज से तू लेगा और हम देंगे। और सुन, तुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत आवे तो बेझिझक थाने चलाइए। ये ठीक कह रहा भाई, चल भाई गश्त पर चला। चलो जी मलिक साहब। जब से नए दरोगा जी आए हैं इस थाने की तो पुलिस ही बदल गई। भाई ये दरोगा तो अपनी सोच से कुछ अलग ही पाया। हमारी से कह रहा है एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, देखता हूँ क्या करता है। अब तक तो हमारा कोई कुछ ना बिगाड़ पाया, यू एक दिन में के बिगाड़ेगा? भाई इस दरोगा में कुछ तो बात है, आते ही थाने का नक्शा बदल दिया, गांव का के करेगा? चल थाने में चल, इसलिए वहां दिखाएंगे हम ये सीन। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि ये जन्म में इस गांव का सुधार हो सकता है। ये तो सही कही चाचा, इस दरोगा का तो जवाब है। भाई ये दरोगा कुछ अलग ही है, इसने आते ही थाना और गांव का नक्शा बदल के रख दिया, और इसने हमारे दारू जुआ और हमारे सारे लड़के बंद कर दिए, और भूरे की भी जमानत कोर्ट से करानी पड़ी। मैं तो कहूँ बुला ले पिताजी को फटाफट। ठीक कह रहे हैं केशु भाई, आप जल्दी कुछ ना कुछ करो वरना बहुत देर हो जाएगी। तू ठीक कह रहा है, इसका इलाज तो पिताजी करेंगे।